हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं अपने एमएस वर्ड की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम अपनी आज की इस एमएस वर्ड की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मूला को एमएस वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड में अपना काम करते हो तो ये फॉर्मूला आप एमएस वर्ड में यूज कर अपने काम को और भी आसान बना सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं कि हम किस तरीके से एमएस वर्ड में फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टेबल्स नजर आते होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 टेबल बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको जो करना है फॉर्मूला अप्लाई वो क्या करना है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हो कि कुछ डेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ सेल की सीरीज दी हुई है। हमको यहाँ पर जो हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे सम फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों, हम सम फॉर्मूला लगाकर अपनी 1 अप्रैल 2018 के सेल का टोटल करके देख लेते हैं। हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में डेटा टैब में दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाता है एफएक्स, यानी कि फॉर्मूला का फंक्शन। जैसे ही आप यहाँ पर एक और देखिए, आपको कुछ टेक्स्ट में नज़र आ रहा होगा, ऐड अ फॉर्मूला टू अ सेल टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन सच एस एवरेज सम और काउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एमएस वर्ड में काउंट, सम, एवरेज जैसे फॉर्मूलाज का यूज करना है तो आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। आइए अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, आपके सामने एक विंडो ऑपरेट हो गई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे और हम स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे। सम प्रेस करते हुए दोस्तों, अभी आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है, यानी कि ये बोल रहा है कि आपका लेफ्ट का टोटल, यानी कि लेफ्ट में का क्या आ जाता है, जो भी न्यूमेरिक हो ये उसका टोटल कर देगा, यानी सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। सम करने के बाद हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और लेफ्ट का हमको टोटल करना है। दोस्तों, ये एक्सेल की तरह नहीं है कि आप यहाँ पर रेंज दे दोगे, बस आप इसको लेफ्ट बता दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा। नाउ हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका टोटल यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरह आप एमएस वर्ड में सम फॉर्मूला का यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने या हम फॉर्मूला पर ही चलते हैं, यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन नहीं लेगा। अगर हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ तो है नहीं। तो आइए हम फॉर्मूला पर चलते हैं। अब ये एक और ऑप्शन आपको बता रहा होगा अबव का। मान लीजिए कि आपका जो डेटा है आपको ऊपर से टोटल करना है तो भी वो आप कर सकते हैं, उस लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका जो कर्सर है वो होना चाहिए एंडिंग में, जहाँ से आप अपने अबव के वैल्यूज को टोटल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर हमारा कर्सर है, अब हम चलेंगे फॉर्मूला पर। फॉर्मूला पर आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वल सम अबव, यानी कि अबव का, यानी कि आपका यहाँ से टोटल होगा। हम यहाँ पर ओके करते हुए इसको करेंगे। देखिए तो ये आपका आ गया टोटल। दोस्तों, आप यही फॉर्मूला फंक्शन में आपको यहाँ पर कुछ और भी नंबर्स दिखाई देते होंगे, यानी कि ये वो नंबर्स है कि आपको डेसिमल्स चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये वो फार्मूलाज है जो आप फार्मूला बार में टाइप करते हो। अभी हम आगे समझेंगे एवरेज फार्मूला, काउंट फार्मूला, और ऐसे ही हम सब अपना मैक्सिमम और मिनिमम को भी समझेंगे। तो आइए अब हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी डेसिमल के साथ भी टोटल यानी कि सम हो चुका है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हो, एवरेज आप अबव से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ से जो राइट
कि हमारा जो लास्ट फाइनल कॉलम जो अपना कॉलम आ जाता है वहाँ पर हम जाते हुए क्लिक कर लेते हैं फॉर्मूला पर, फॉर्मूला पर लेफ्ट यानी कि लेफ्ट आपका सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4। बट अब हमको यहाँ पर एवरेज चाहिए ना कि सम, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और आपको यहाँ बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे फार्मूलाज के। हम यहाँ पर जैसे ही हम एवरेज दे देंगे तो हमको यहाँ पर इक्वल लगा लेना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है लेफ्ट, यानी कि जो आपका डेटा है वो है लेफ्ट में। ओके करते ही दोस्तों आपको इसका एवरेज भी मिल जाता है। आप एज इट इज़ यहाँ पर भी अबव का फॉर्मूला लगाते हुए सेम एवरेज निकाल सकते हो दोस्तों, यानी कि ये सम बता रहा है, आपको यहाँ पर सम नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर चाहिए इक्वल। ऐसे हम पेस फंक्शन में जाते हुए इक्वल ले लेंगे। अब देखिए हम जिसे यहाँ पर इक्वल प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अबव, हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसने अबव से भी आपका एवरेज निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने सीखा है कि सम और एवरेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या ये काउंट में भी वर्क करता है, आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला पर क्लिक कर लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और हम चले जाते हैं अपने पेस फंक्शन पर। यहाँ पर हम देख लेंगे काउंट, देखिए सेम आ गया। आपको यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है और हमको काउंट कहाँ से करना है, हमको यहाँ से करना है यानी सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड 4, ये ज़्यादा भी हो सकता है तो आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ से हमने लेफ्ट कर दिया और एंटर, देखिए ये बता दिया कि 4 है दोस्तों, यानी कि आपके कितने कॉलम्स हो गए, 1, 2, 3, 4। यहाँ से भी आप करोगे तो 4 ही आएंगे। ओके दोस्तों, लेकिन हो सकते हैं ये अबव में 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो इस तरीके से हम काउंट भी कर सकते हैं। नाउ दोस्तों अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे फॉर्मूला पर, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट फंक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है मैक्सिमम का फॉर्मूला। स्टार्टिंग में इक्वल लगाते हुए हम यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं, हमको चेक करना है कि लेफ्ट से यानी कि ये जो आपका टेबल है यानी कि यहाँ से यानी 18,681, 1039, 339, 279, 479, 23, 616। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो वो भी आप पता कर सकते हो इस फॉर्मूले को लगा कर, यानी कि मैक्सिमम। अब हम यहाँ पर आप डेसिमल्स भी यहाँ पर लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल हम डेसिमल लगा लेते हैं लेकिन हमको तो इसे मैक्सिमम कैलकुलेशन ही करना है, हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपको डेसिमल के साथ आपकी जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हम मिनिमम को भी निकाल सकते हैं। हम चलते हैं अपने फॉर्मूलाज पर, यहाँ पर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो या तो आप फंक्शन से ले सकते हो मिनिमम, और यहाँ पर स्टार्टिंग में इक्वल लगा लोगे और लेफ्ट आप ये अबव में भी यूज़ कर सकते हो और ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों आपको इसने, क्योंकि हमने वहाँ पर डेसिमल नहीं दिया था इसलिए इसने डेसिमल आपको कुछ शो नहीं किया, आप चाहे तो परसेंटेज भी ले सकते हो। तो जो मिनिमम था इसमें से 12,000 का था, 12091 इसका जो मिनिमम था वो वैल्यू यहाँ पर शो हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को भी फाउंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको दोस्तों इस चैनल पर मिल जाते हैं बहुत सारे MS वर्ड के वीडियोस। आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे MS पावर पॉइंट के वीडियोस, आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाते हैं और मोटिवेशनल भी वीडियोस आपको यहाँ पर देख सकते हो और टेली रिकॉर्डिंग वीडियोस, कॉलर रिलेटेड वीडियोस। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।